आज लेकर आई हूँ मैं कटहल के कबाब की रेसिपी, जिसे हम बनाने वाले हैं दो तरीके से। आपको बहुत पसंद आएगा और जितने भी आपके नॉनवेज खाने वाले दोस्त हैं उनको भी ये वेजिटेरियन कबाब की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। कोई भी जज कर नहीं पाएगा कि ये किस चीज़ से बनी है। इतना टेस्टी बनता है कि खाते ही मुँह में घुल जाता है, बिल्कुल गलौटी कबाब की माफिक, और बिल्कुल उसी की तरह इसका टेक्सचर आता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और इसे बनाकर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा। आप इसे पार्टी स्टार्टर्स में बना सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स के टाइम में बना सकते हैं। तो कभी भी आप इसे बनाइए और इन्जॉय करिए। नमस्कार, मैं हूँ बबीता और स्वागत है आपका बब्बीस किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथों को करते हैं ग्रीस और चाकू और प्लेट में भी लगा लेते हैं थोड़ा सा तेल, क्योंकि हमें कटहल को काटना है और कटहल जो होता है थोड़ा सा स्टिकी होता है, चिपचिपा, इसमें से कुछ पदार्थ निकलता है जो हाथों में चिपक जाता है। तो करना क्या है, तेल लगाने के बाद इसको काट लेना है, थोड़ा सा पानी में इसे रख देना है और उसके बाद हम इसे करेंगे ट्रांसफ़र एक कुकर में, और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और आधा ग्लास पानी डालकर इसे बॉईल करने के लिए हम रख देंगे। तो लगानी है इसमें सिर्फ एक सीटी और उसके बाद हमें इसे करना है बंद। तो जब तक हमारा कटहल उबल रहा है तब तक हम चने की दाल को पीस लेते हैं। तो हमने ये चने की दाल एक कटोरी भिगोकर रख दी थी, तो जो फूलने के बाद दो कटोरी हो चुकी है। इसका सारा पानी स्ट्रेन करने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सर जार में, और उस जार में साथ ही हम डाल देंगे कुछ और चीज़ें, जिसमें है कड़ी पत्ता। तो खूब सारा कड़ी पत्ता डाल दीजिए, अच्छा टेस्ट करता है। लाल मिर्ची डाल देंगे टेस्ट के अनुसार, हरी मिर्ची डाल देंगे 7 से 8। साथ में हम डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर, और साथ में डालेंगे हम प्याज। तो यहाँ पर 3 से 4 प्याज का इस्तेमाल कर लेंगे और अच्छे से इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा गाढ़ा दही। तो लगभग आधी कटोरी हमने गाढ़ी दही जो थी, जिसका हमने पानी निकाल दिया था, उसको डालते हैं इसमें। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट भी इन्हेंस होगा, साथ में ये हमारा जो पेस्ट है वो पीसने में भी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हमारा ये बैटर तैयार है, मिक्सचर तैयार है। इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें हैं नमक, नमक आप स्वाद अनुसार डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच डाला है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, और यहाँ पर साथ में जाएगा धनिया पाउडर। तो 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए अच्छे से, 1/2 चम्मच डालेंगे हम आमचूर पाउडर, और साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, और 1/2 चम्मच जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालिए, थोड़ा सा कलर भी आ जाता है, थोड़ा सा टेस्ट भी। तो बस इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं, और साइड में इसको हम रख देंगे और निकालेंगे कटहल को। तो कटहल बॉईल हो चुका है, अब इसको हम करेंगे स्ट्रेन ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। तो इसको हमने एक रखा है एक जाली में, छलनी में रख दीजिए, और इसका सारा पानी निकल जाएगा, साथ ही ये ठंडा भी हो जाएगा। तो 5 से 6 मिनट इसे रख दिया हमने, सारा पानी निचुड़ चुका है, कटहल भी ठंडा हो चुका है। इसके हमें निकाल देने हैं बीज। जब इसे आप हाथों से मैश करेंगे तो इनके बीज जो है आसानी से निकल जाते हैं, तो सारे बीज जो हैं आप निकाल दीजिए। अब इसी में हम करेंगे दाल का मिक्सचर मिक्स। तो दाल के मिक्सचर को हमने इस कटहल बॉयल्ड कटहल में मिक्स कर दिया है, और अच्छे से इसे हाथों से मैश करेंगे ताकि ये दाल और मसाले और हमारा जो कटहल है अच्छे से हो जाए मिक्स। कटहल में हम ऑलरेडी बॉईल करते समय नमक डाल चुके थे, तो अभी हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा मिक्सचर रेडी है। इसको हम करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड, क्योंकि हम 2 तरीके से बना रहे हैं। तो 1 पार्ट में हम कुछ भी मिक्स अब नहीं करेंगे, हमारा मिक्सचर रेडी है। दूसरा जब पार्ट बनाऊंगी मैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो उसमें हम क्या चेंजमेंट कर रहे हैं, क्या एडिशनल चीज़ें डाल रहे हैं। तो हमारा बेसिक मिक्सचर तैयार है। इसको हमें क्या करना है, हमें लेने हैं कुछ स्क्वेयर्स, तो हमने ये ले लिए हैं, और मेरे पास ये लकड़ी के थे, इसमें ही मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं तवे में सेकने वाली हूँ। तो मेरे पास ये वुडन स्क्वेयर्स थे, इसमें अच्छे से मैं इसको अच्छे से लपेट दूँगी, बिल्कुल इसको सीख कबाब की तरीके से हम सारे मिक्सचर को रोल कर देंगे इसके ऊपर, और इस तरीके से हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैंने लिया है यहाँ पर एक नॉनस्टिक तवा, इसमें लगाया है मैंने बटर। तो यहाँ पे मैं वाइट बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो सॉल्टेड भी डाल सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा नमक मिक्सचर में कम करना होगा।
तो बस हमें करना क्या है, इस बटर में मैंने थोड़ा सा घी भी डाल दिया था ताकि हमारा जो बटर है वो चले नहीं। आप बटर या घी में बनाते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो ध्यान रखिए इसे बटर में या घी में ही बनाएं। तो बस हमें ये सारे जो हमने सीख कबाब तैयार किए थे इन सबको इसमें इसी तरीके से तवे में अरेंज कर लेना है और इसे धीमी आँच में सिकने देना है पलट पलट कर। तो एक तरफ से जब सिक जाए तब दूसरी तरफ से पलट लीजिए, उसके बाद वो सिक जाए तो दूसरी तरफ से और पलट लीजिए। इसी तरीके से हम चारों तरफ से पलट पलट कर सेक लेंगे। तो इस प्रक्रिया में लगभग आपके लगने वाले हैं 7 से 8 मिनट और उसके बाद ये आपके बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी कबाब तैयार हो जाएंगे। तो हमारे सीख कबाब तो हो गए हैं रेडी, अब हम बनाते हैं गलौटी कबाब जिसे हम देंगे थोड़ा सा स्प्राउट्स का ट्विस्ट। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं स्प्राउट्स। अब हुआ क्या कि जब मैंने ये स्प्राउट्स निकाले उस समय मैंने कैमरा कर दिया था पॉज, क्योंकि फ्रिज से मैं स्प्राउट्स निकाल के मैंने वापस फ्रिज में रखना था, और जब उसके दौरान मैंने पॉज कैमरा को ऑन करना भूल गई। तो अब क्या हुआ कि ये जब मैंने ये सब चीज़ें डाली थी तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मैंने डाला है 2 प्याज जो मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिए थे, 5 से 6 हरी मिर्च जो मैंने बारीक बारीक चॉप की थी, साथ में हरा धनिया और साथ में स्प्राउट्स। तो ये 4 चीज़ें मैंने इस मिक्सचर में एडिशनल डाली हैं। तो इसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप देख लीजिएगा कि इसकी क्या क्वांटिटी है। तो बस हमारा जो ये मिक्सचर है वो रेडी है। थोड़ा थोड़ा हमने ये मिक्सचर ले लेना है हाथों में और टैप करते हुए हमें इसे कटलेट्स का या कबाब का शेप दे देना है और बस इन्हें हमें सेक लेना है। तो तवा लिया है मैंने यहाँ पर थोड़ा भारी वाला और उसमें लगा दिया है बटर। बटर लगाने के बाद इसको हमने सारी टिक्कियों को अरेंज कर लिया है। तो बटर के साथ थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, उससे क्या होगा टेस्ट भी अच्छा होगा और बटर जो है आपका जलेगा भी नहीं। यहाँ पर मैंने वाइट बटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो सॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इन टिक्कियों को हम पलट पलट कर सेकेंगे। आँच को लो या मीडियम में ही रखें और इसे धीमी आँच में सेकने दें। काफ़ी अंदर तक ये बिल्कुल पक जाएंगे और बाहर से क्रिस्प होंगे, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। तो बहुत ही अच्छे गलौटी कबाब ये तैयार होंगे। तो हमारे कटहल के कबाब हो चुके हैं रेडी, आप इन्हें सर्व करिए पुदीने धनिया की चटनी के साथ, या फिर आप जो है दही डालकर पुदीने और धनिया की चटनी बना सकते हैं उसके साथ भी, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अगर आपको पसंद है तो आप सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों ही चीज़ें साथ में सर्व करी हैं, आपको जो पसंद हो आप उसके साथ इसे सर्व करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ करें इसे शेयर, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब बटन के साथ में ही है एक बेल आइकन जिसे आप दबा देंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी टाइमली। तो देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको और आपके फ्रेंड्स को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। और अपनी ये रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरीके की बहुत ही फटाफट से बनने वाली, आसानी से बनने वाली रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।